સારી યોજના છે અને આ દેશ નવી યોજના છે સર, એમાં અમને લાભ લેવાની ઈચ્છા છે. નવા એપ્લિકેશન છે, અમને મળ્યું, ખૂબ ફાયદો છે, ખૂબ આનંદ છે. અમે બીજાને પણ મોટિવ કરી છે. तो बताइए जरा, इस योजना में आपने घर में पहले कितना बिल आता था? 5 से 6 हजार बिल आता था. अभी लास्ट पहला ही बिल मेरा आया है, अभी 1 हजार माइनस आया है, मतलब 6 हजार का फायदा होता है. एक साल का कितना फायदा हो? एक साल का 72 हजार तो नहीं, करीब करीब 75 हजार कमाएंगे. तीन साल में हमारा 2 साल में फ्री हो जाएगा सर. और सरकार की तरफ से किसान मिला 78,000 मिले. और बिना कोई तकलीफ, एक महीने का तो आ गया सर. पहले क्या है, हमको 3 पंखा तीन रूम में चला हुआ है ना, तो भी हम दर्द तो राइट भी लाभ डर लगता था. 3 महीने चला नहीं सके. अभी शू है की પીએમ સુધી અગર મફત બિજલી યોજના આવી એટલે અમારે એટલો બધો ફાયદો થયો કે હવે એસીપી બિંદાસ ચલાવીએ કે સર. એસી મેરા સર વો 3.24 કા હે. અચ્છા, બિજલી બિલ પહેલે આપતા થા? બિજલી બિલ મેરા 2503 હજાર આતા થા, और 2503 हजार माइनस हो गया, और 1040 रुपया मेरे को ये महीना मिला, कमाई हो गई. चलिए, मतलब आपको करीब 7 हजार रुपए की कमाई हो. आराम से सर, ऐसा बच गया और ऊपर से कमाई हो. कमाई हुई सर. अच्छा, और शू जगह रिटर्न ड्यूटी का पॉइंट शू करो? हमारे 3.24 ने फुल लगा दी. 1 हजार रुपए कमाई थी तो लोगों ने खबर थे कि भैया सरकार ने तिजोरी खाली करा बगैर, यानी सरकारी खजाने से 1 भी रुपया नागरिकों का बर्बाद किए बिना मुफ्त बिजली मिल सकती है. आपको ये मालूम है कि आपने ये योजना लेकर के कितना लाभ किया है देश को? अंदाजा आ रहा है? बहुत लाभ किया है. जो हमारा बिल में जाता है वो देश को ही लाभ है. जो बिजली बचेगी और वो जितना ज्यादा सोलर पैनल लगेगी इतना ज्यादा यूनिट ग्रिड में जाएगा, तो हमारा राज्य को देश को फायदा ही है. पूरी दुनिया क्लाइमेट को लेकर परेशान है, भी गुजरा. अगर ये हम करेंगे तो सारे संकटों से बचने वाली 50 साल 100 साल के बाद जो बच्चे होंगे वो भी इसका लाभ होगा. और लोग क्या करते हैं, सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाना खाली कर हमने सरकारी खजाना भी बचाया, देश का भविष्य भी बचाया और लोगों के घर की जरूरत भी पूरी हुई. अच्छा, आपने कभी हिसाब लगाया इसका कैसे फायदा होगा? मैं आपको एक हिसाब बताऊं. मान लीजिए तो आपका 4 हजार रुपए का बिजली का बिल, 4 हजार मैं आपको और ऊपर से 1 हजार रुपए मान लो आपकी कमाई, तो आपको 5 हजार रुपए मिला. अगर मान लीजिए आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है, बेटी 1 साल 2 साल की, और बेटी के नाम ये 5 हजार रुपया आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, फिर दूसरे महीने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 12 महीना ऐसा करते करते आपने 60 हजार रुपए फिक्स डिपॉजिट, फिर दूसरे साल भी किया, तीसरे साल भी किया, करते गए, बच्चे बिल तो देते ही थे, घर से तो खर्चा होता है, बच रहा है. बेटी के लिए अगर आपने जमा किया तो बेटी जब 20 साल की होती ना तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा? अपने अंदाज किया 10 से 12 लाख रुपया आपके बिजली के बचत से बचत कमाई होगी आपकी. और जब बेटी आपकी 20 साल की होगी, आपके हाथ में 10-12 लाख रुपया होगा,
उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, कितना बड़ा काम कर सकते हैं। यानी एक छोटी योजना इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, इसका एक उदाहरण है। अच्छा, देश इतना आपके लिए कर रहा है, आप एक काम करेंगे आपकी सोसाइटी में सबको मिला स्वच्छता ऐसी हो तो लोगों को लगे कि ये तो मंदिर है, पूरी सोसाइटी एक मंदिर है। यानी एक भी कूड़ा कचरा ये कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, मेरे घर का कचरा बगल वाला है, बगल वाला 5:30 बजे उठेगा तो दूसरे दिन 4:30 बजे वो कचरा आप घर डाल देगा, ऐसा तो नहीं करेंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी सोसाइटी है, 3-4 पैड देख रही, मेरा एक अभियान है, एक पैड माँ के नाम, अपनी माँ को स्मरण। घर में अगर 5 मेंबर है तो हरी की माँ 5 पैड लगेंगे। क्या आपकी सोसाइटी तय कर करके एक पैड माँ के नाम ये करके पूरी सोसाइटी को ग्रीन कर सकते, 3 साल के भीतर भीतर मकान नहीं दे देगा, पैड ही पड़ गए, छोटा सा काम है। उसी प्रकार से बरसात का पानी, बारिश 2 इंच में बारिश हो जाए तो लाखों लीटर पानी, यानी सिर्फ सूर्य क्रांति रानी ऐसा नहीं, पूरे जीवन में आप पर्यावरण के प्रति सजग रहा। जैसे हम कुछ भी खरीदने जाते थे पहले तो घर से थैला लेके जाते, अब ऐसे खाली हाथ जाते हैं, प्लास्टिक के दल छोटे लेकर जाते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, गाय खाती है, गाय मर जाती है। क्या हम तय कर सकते हैं, मैं प्लास्टिक से कोई चीज नहीं, मैं घर से ही थैला लेकर जाऊंगा, घर के ही थैले में सबको लाऊंगा, प्लास्टिक को हाथ ले जाऊंगा। देखिए पीएम सूर्य घर योजना अभी मैंने 1 करोड़ घरों को देना था, करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अर्जी दी और 3.5 लाख घरों में ऑलरेडी काम पूरा हो चुका है। हमको कितना पैसा किसी का दिया, अब 3.5 लाख लोग उनके पास 20-20 लाख रुपए अपनी बेटी के लिए जमा होता है, कितनी बड़ी क्रांति आ गई है। चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।